या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। जम्मू कश्मीर की धरती ने, पल्ली के नागरिकों ने सबका प्रयास क्या होता है ये मुझे करके दिखाया है। धारा 370 की बेड़ियों से आजाद होने के बाद जम्मू कश्मीर हर तरह से भारत के विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। जिस कश्मीर की धरती पर एक समय आतंकवाद, देश विरोधी गतिविधियों, पत्थरबाजी और अलगाववाद पनप रहा था, आज वही कश्मीर देश के सामने विकास की एक ऐसी तस्वीर लेकर खड़ा है जो घाटी के पहाड़ों से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। आज से एक साल पहले इसी अप्रैल के महीने में प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर की धरती पर मौजूद थे, तो वहां से लौटे तो कश्मीरी युवाओं से एक वायदा करके लौटे। साथियों, मेरे शब्दों में भरोसा कीजिए, घाटी के नौजवान आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने करके भी दिखाया। कश्मीर के विकास की इबारत सुंदर ढंग से लिखी जा रही है, इसे इन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है। 2021-22 में कश्मीर को सेंट्रल स्कीम्स के तहत 7655 करोड़ रुपए की राशि मिली थी, जिसे 2022-23 के दौरान लगभग 15% बढ़ाकर 8938 करोड़ रुपए कर दिया गया। ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर को मिले लगभग 9000 करोड़ रुपए कतार में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंचते हैं। घाटी में डिजिटल लेन देन को मिले बढ़ावे ने इसे मुमकिन किया है। घाटी में रोजगार को बढ़ाने के लिए 2022-23 में अलग अलग योजनाओं के तहत 2,63,595 लोगों के लिए रोजगार के नए अवसरों को पैदा किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 1,67,932 रोजगार के अवसर पैदा किए गए। मिशन यूथ के तहत 35,564, जम्मू कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 34,200, जम्मू कश्मीर महिला विकास निगम के तहत 8,457, हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए 5,331, हिमायत के लिए 2,818, भेड़ पालन के तहत 2,818, SC/ST/OBC निगम के तहत 2,193, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 1,576 और कृषि उत्पादन और पशुपालन के तहत 2,668 रोजगार के मौके घाटी के लोगों को मिले हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर सचिवालय में 2022-23 में जम्मू कश्मीर की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट 2022-23 जारी की। ये रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि जम्मू कश्मीर किस तरह से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर की आर्थिक विकास दर 8% रही, जो राष्ट्रीय औसत से 1% ज्यादा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर की GDP 15% रही। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया कि जम्मू कश्मीर की GDP आने वाले 5 सालों में दोगुनी हो सकती है। आजादी के अमृतकाल के मौके पर 75 नए पर्यटन स्थल, 75 विरासत और सांस्कृतिक स्थल और 75 रोमांचक स्थलों पर काम जारी है। PM के सपनों का कश्मीर आज की हकीकत बन गया है। जो सपना उन्होंने 2019 में देखा था वो आज साकार हो रहा है। ये तस्वीर 24 अगस्त 2019 की है।
कश्मीर से धारा 370 हटे 20 दिन ही हुए थे। पीएम मोदी उस समय यूएई में थे, दुनिया के लीडिंग बिजनेसमैन से बात कर रहे थे। उस समय लुलू ग्रुप के ओनर यूसुफ अली और पीएम मोदी के बीच क्या बातचीत हुई थी, उसे जरा ध्यान से सुनिए। हमने कश्मीर का बोला है, अम्बेडकर साहब से भी बात किया हमने, उधर से लॉजिस्टिक सेंटर और प्रोक्योरमेंट के लिए हमने ऑलरेडी टीम नेक्स्ट वीक भेज रहा है, क्या क्या चीज़ उधर से इधर ले सकता है, क्योंकि हमारे 3000 करोड़ का इंडिया का इम्पोर्ट है, उसमें से कश्मीर से क्या ले सकता है। मैं यूसुफ अली को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने बराबर चीज़ को पकड़ा है, क्योंकि कश्मीर की धरती में इतने उत्तम प्रकार की पैदावार है, इसको अगर हम इम्पोर्ट करें, प्रॉपरली पैकेजिंग करें, तो ग्लोबली बहुत बड़ा मार्केट इंतजार कर रहा है। एमआर ग्रुप ने 20 मार्च को कश्मीर में हुए इंडो यूएई इन्वेस्टमेंट मीट में 250 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर में मॉल बनाने का फैसला लिया है। इसे मॉल ऑफ श्रीनगर का नाम दिया गया है। एमआर ग्रुप वही कंपनी है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण किया है। 10 लाख स्क्वायर फुट में बन रहा ये मॉल 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मॉल के निर्माण में लगभग 13,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस शॉपिंग मॉल में लुलू ग्रुप भी एक हाइपर मार्केट खोलेगा।